राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के उत्तराधिकारी थे। राजा भैया के पिता का कद प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा रहा और वो हमेशा चर्चा में रहे। ठीक इसी तरह उनके बेटे यानी राजा भैया का कद भी अपने इलाके में काफी ऊंचा है। प्रतापगढ़ की जनता उन्हें आज भी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह ही बुलाती है और अपना राजा मानती है। प्रतापगढ़ के कुंडा में आज भी भद्री रियासत का महल है। इसी महल में राजा भैया और उनका पूरा परिवार रहता है। हालांकि तकरार के बाद से पत्नी साथ नहीं रह रही है। राजा भैया से जुड़ी कई बातें सालों तक चर्चा में रही। आज भी ऐसी बातें होती हैं कि राजा भैया ने अपने तालाब में मगरमच्छ पाल रखे थे। राजा भैया से अक्सर इस बाबत सवाल पूछा जाता है कि क्या उन्होंने सही में अपने तालाब में मगरमच्छ पाले थे, जिसका जवाब हमेशा राजा भैया ना ही में देते रहे। आज राजा भैया की छवि प्रतापगढ़ और पूरे यूपी में बाहुबली नेता की बनी हुई है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1993 में कुंडा विधानसभा से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़कर की थी। उस वक्त कुंडा सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का दबदबा था। नियाज हसन कुंडा सीट से लगातार 4 बार और कुल 5 बार जीत दर्ज कर चुके थे। लेकिन राजा भैया ने अकेले न सिर्फ नियाज को चुनौती दी बल्कि बड़ी जीत भी दर्ज की। राजा भैया का रसूख और दबदबा ही कहा जाए कि तब से लेकर अब तक वो कुंडा सीट पर अजय रहे। वो लगातार 6 बार निर्दलीय विधायक बने। 2022 में अपनी पार्टी जनसत्ता दल से जीतकर लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। हालांकि इस बीच उन्हें कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी का समर्थन जरूर मिला। इस दौरान वो यूपी सरकार में जेल और खाद्य मंत्री भी रहे। राजा भैया अपनी दबंगई के लिए भी हमेशा चर्चा में रहे। कुंडा में एक छत्र राज करने वाले राजा भैया पर अब तक 8 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या की कोशिश, डकैती, चोरी, लूटपाट, बलवा, मारपीट, शांति भंग करना, दंगा करवाने की मंशा जैसे कई मामले शामिल हैं। जिस तरह राजा भैया का अपना दबदबा है, अपना राजघराना है, अपना कुनबा है, ठीक उसी तरह उनकी पत्नी भानवी का भी है।